हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त अनु झा, और आपने ट्यून किया है झा न्यू क्रिएशंस। और आप लोगों को मेरे ड्रेस डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का आप लोगों को तरह तरह के ड्रेस के डिज़ाइन सारे रीयूज़, मेनली मैं सारे रीयूज़ बताती हूँ, या ओल्ड कपड़े का रीयूज़ बताती हूँ कि पुराने कपड़े से हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें कि आप लोगों ने मुझसे पूछा है बार बार कि मैंने सिल्क की साड़ी के बहुत सारे सिल्क की साड़ी रीयूज़ किए हैं, सिंथेटिक साड़ी रीयूज़ किए हैं, बहुत तरह की मतलब सिंपल वेयर साड़ी जो होती है ना, वो मैंने बहुत रीयूज़ किए हैं। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि एक कॉटन की साड़ी को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कॉटन साड़ी रीयूज़ के बहुत सारे ढेरों आइडिया लेके आई हूँ। उस आइडिया पे काम करके आप जो है वो अपनी कॉटन की साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो कॉटन की साड़ी से सबसे पहले तो आप जो है वो फुल ड्रेस बना सकते हैं, जैसे कि कुर्ता बना लिया, बॉटम बना लिया, और एक तरह का है या प्रिंटेड साड़ी है, क्योंकि कॉटन की साड़ी की जो प्रिंट होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि कॉटन की साड़ी, कभी भी कॉटन की साड़ी से कुछ भी बनाएंगे या साड़ी से तो उसमें हम जो है वो लाइनिंग जरूर डालेंगे, क्योंकि लाइनिंग यदि नहीं डालेंगे तो कॉटन का कि साड़ी का जो क्लोथ होता है और सूट के लिए जो कॉटन का कपड़ा खरीदते हैं ना, वो डिफरेंट होता है। क्योंकि साड़ी हम लेयर में पहनते हैं तो वो थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है, तो उसको यदि हम लाइनिंग नहीं देंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। एक तो पहनने में भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा और स्ट्रेंथ भी नहीं आएगा उसमें। तो हम कॉटन की साड़ी से जो है वो मतलब ये बना सकते हैं, कुर्ता और बॉटम बना सकते हैं, ठीक है। उसमें मोनोक्रोमिक लुक भी हम ये कर सकते हैं कि बिल्कुल सेम एक ही जैसा कुर्ता और दुपट्टा बना लिया और वो हो गया, या फिर हम उसका जो है वो बॉटम बना लें और ऊपर उसके साथ कॉटन का दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है तो वो बॉटम बना लें, कोई भी प्लाजो और पैंट कुछ भी बना लें, स्कर्ट कुछ भी बना लें और उसके साथ एक दुपट्टा बना लें हम कॉटन की इसका, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और कुर्ता जो बनाए वो एसिमेट्रिक डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, कभी मतलब ऐसे ये ए लाइन में भी बना सकते हैं, फ्रॉक स्टाइल में भी बना सकते हैं, एसिमेट्रिक भी बना सकते हैं, तो उसको हम डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं और उसका जो है वो बहुत सुंदर आता है, बहुत अच्छा आता है। तो एक तो पहले वो हो गया, उसके बाद बॉटम और दुपट्टा बना सकते हैं हम, ठीक है। पल्लू से उसका जो कुर्ता जो बना है उसके पल्लू पोर्शन को हम स्लीव एज ए स्लीव में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको नेक डिज़ाइन पे यूज कर सकते हैं। यदि कुर्ता बना रहे हैं तो उसका जो पल्लू होता है, पल्लू का डिज़ाइन कॉटन की साड़ी का बहुत सुंदर होता है, तो उसको हम स्लीव पे और नेक डिज़ाइन पे यूज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और दुपट्टा और बॉटम तो हम बना ही सकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। और पल्लू से हम जो है वो ब्लाउज बना सकते हैं, पल्लू से जो है वो ब्लाउज बना सकते हैं। और आजकल जो है वो मतलब साड़ियों के ऊपर प्रिंटेड ब्लाउज का बहुत ज़्यादा मतलब इनमें है, तो अभी फैशन में बहुत है, तो उससे हम तो ये बना सकते हैं, या शॉर्ट जैकेट बना सकते हैं उसका पल्लू का, तो शॉर्ट जैकेट भी बना लीजिए आप उसका, तो बहुत सुंदर लगेगा। और जैसे बीच वाले पोर्शन से आपने ये बना लिया, कुर्ता बना लिया और उसके ऊपर शॉर्ट जैकेट बना लिया, या फिर बॉटम बना लिया और जैकेट बना लिया पल्लू से, और उसको आप किसी सॉलिड कलर के इसके साथ पहने तो वो बहुत सुंदर लगेगा। लॉन्ग जैकेट भी बना सकते हैं, लेकिन ये श्योर रखें कि लॉन्ग जैकेट के साथ जो बनाएंगे तो उसमें हम जो है वो लाइनिंग का कपड़ा जो है वो थिक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यदि थिक नहीं डालेंगे तो वो जैकेट का लुक नहीं देगा, वो एक सरक का लुक देगा हमें, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यदि जैकेट बनाना है, लॉन्ग जैकेट बनाना है, लॉन्ग जैकेट और बॉटम बना लीजिए और उसको किसी भी सॉलिड कलर के कुर्ते के साथ आप ट्रिम अप करिए, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन जैकेट में आप जो है वो लाइनिंग थोड़ी थिक वाली दीजिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, शरारा सूट भी बना सकते हैं हम, उसमें शरारा सूट बना लीजिए और उसमें कुछ थोड़ा सा ना जो है वो गोटा का वर्क कर लीजिए, पेपलम कुर्ती बना लीजिए उसमें गोटा का वर्क कर लीजिए, बाजू में गोटा का वर्क कर लीजिए और इसके कुर्ते के नेक डिज़ाइन पे, बॉटम पे, इसे मतलब जैसे आप ये करते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। तो शरारा सूट भी इसका, कॉटन के इसका बहुत ही अच्छा होता है।
दो कलर है तो मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, जैसे कि दो कलर है तो एक कलर से आप कुर्ता बना लीजिए, एक कलर से आप जो है उसका बॉटम वेयर बना लीजिए, और उसको एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिज़ाइन मतलब कलर का जो है वो कॉम्बिनेशन कर दीजिए, तो भी बहुत सुंदर लगेगा आपका कॉटन का। और कॉटन का कपड़ा पहनने में गर्मियों में या कभी भी किसी भी मौसम में पहनने में बहुत अच्छा लगता है, खास करके गर्मी में उसको वियर करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, पेपलम स्टाइल कुर्ती भी पेपलम स्टाइल की कुर्ती बना सकते हैं, शरारा उसके साथ शरारा बना सकते हैं, ये अम्ब्रेला कट का प्लाजो बना सकते हैं उसके साथ, या फुल फ्लेयर्ड प्लाजो बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ उसमें से आप जो है वो बना सकते हैं। एथनिक स्कर्ट बना सकते हैं, कॉटन का स्कर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक एथनिक स्कर्ट उससे बना सकते हैं, ठीक है। वो चाहे प्रिंटेड साड़ी हो या प्लेन साड़ी हो, ठीक है, किसी के साथ भी हम जो है ना एथनिक स्कर्ट बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा। अम्ब्रेला ड्रेस जो है वो बनाए हम कॉटन की साड़ी के साथ, वो भी बहुत सुंदर आएगा, अम्ब्रेला बना बहुत अच्छा आएगा। लेयर्ड कुर्ती बना सकते हैं, ठीक है, उसके पल्लू पोर्शन से ऊपर का लेयर्ड बना दे, और लेयर्ड कुर्ती भी हम बना सकते हैं, तो वो और लेयर भी जो है इसमें हम जैसे गाउन बनाया तो उसमें भी हम 2-3-4 लेयर तक डाल सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगेगा। एक मैंने अभी वीडियो में डाला है ना, 4 लेयर का मैंने एक कुर्ती बनाया है, वो कॉटन की साड़ी से एक्चुअली नहीं है, वो जो है वो कपड़े से है, सूट का कपड़ा पड़ा हुआ था तो उससे है। तो उस तरह का भी आप आइडिया लेके उस वीडियो को भी देख के आप बना सकते हैं। तो 4 लेयर में जो है वो मैंने उसको ये बनाया, पल्लू पोर्शन से आप योक ले लीजिए और बाकी के साड़ी से आप 4 लेयर में 3 लेयर में जो है वो ये बना लीजिए, उसका फ्लेयर बना लीजिए, तो बहुत अच्छा फ्लेयर भी आएगा और बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ भी देख सकते हैं। और यदि बचा कपड़ा बच जाता है तो उसका हम पैच बना सकते हैं, फैब्रिक पैच बना तैयार कर सकते हैं, जिसको कि हम ड्रेस के ऊपर भी डिजाइनिंग में ले सकते हैं, या फिर मतलब कुछ कुशन कवर वगैरह बनाने में भी वो फैब्रिक पैच को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मिडी ड्रेस बना सकते हैं, फ्लेयर्ड सूट बना सकते हैं। तो कॉटन की साड़ी को हम डिफरेंट वे में बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, और उसको आप एक बार निकाल के देखिए कि आपके पास जो साड़ी पड़ी है कॉटन की या कुछ भी, तो उसको हम क्या कैसे कर सकते हैं। जब मैं इसको बनाऊंगी, मैंने इसको अब गर्मी आने वाली है, अभी तो बीच में सर्दी आ गई, मैंने जब शुरू किया उसके थोड़े दिन के बाद ही सर्दी आ गई थी, तो मैंने सिंथेटिक और सिल्क साड़ी ही यूज़ किए हैं, कॉटन को मैंने हाथ नहीं लगाया है। तो अभी मैं कॉटन की साड़ी का ये आइडिया आपको दे रही हूँ, जैसे जैसे मेरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे तो मैं वो सब ड्रेस भी आपको लेके दिखाऊंगी, ठीक है। और आप जो है सो इससे बेड कवर बना सकते हैं, दोहर बना सकते हैं, ठीक है, बेड रनर बना सकते हैं, मैंने एक बेड रनर बना के आप लोगों को दिखाया भी है। और दोहर वगैरह जो बनाते हैं उसको जो है वो क्विल्टेड मस्ट क्विल्टेड करें, एक तरफ एक साड़ी लगा दे दूसरी तरफ दूसरी साड़ी लगा दे, तो डबल सेट में हमारा दोहर तैयार हो जाएगा। तो और बीच में फोम डाल के वो क्विल्ट करना बहुत ही ईजी है, कोई इतनी बड़ी का ये नहीं है, तो वो क्विल्टेड करके आप साइड से पाइपिंग वगैरह पाइपिंग या पट्टी लगा के बहुत सुंदर सा ऐसे पाइपिंग और या पट्टी चारों तरफ से लगा के आप उसको दोहर दोहर बना सकते हैं, ठीक है। और साड़ी कवर बना सकते हैं कॉटन के कपड़े से, साड़ी कवर बना सकते हैं। मैंने आपको साड़ी कवर या ऑर्गेनाइजर जो है वो बना के दिखाया था, उसका मैंने वीडियो डाला था, बहुत पहले ही डाला था, शुरू में ही डाला था मैंने, कि बहुत सारे मैंने तो ऊपर थोड़ा कॉटन का अच्छा कपड़ा है वो डाल दीजिए, नीचे भी उसका ही डाल दीजिए, मैंने तो नीचे नाइटी वगैरह सब डाल दिया था, नाइटी वगैरह के भी जो प्लेन पीस निकलते हैं बीच के उसको भी मैंने यूज करके उसको ऑर्गेनाइजर को बना लिया था। तो इस तरह का भी आप जो है वो बना सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी आइडिया मिली होंगी, और जैसे 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 मैं प्रोजेक्ट इसको तैयार करूंगी, अभी अब गर्मी आने वाली है, अब थोड़ा सा और दिन बचा है सर्दियों का, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगा मेरा कॉटन वाला जो है वो कॉटन की साड़ियों का स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कॉटन की जब साड़ी से या कॉटन के कपड़ों से जब मैं स्टार्ट तैयार करना शुरू करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। और तब तक आप लोग इस आइडिया ले, और जिनको भी ये आइडिया वगैरह समझ में आया तो वो लोग जो है वो अपनी कॉटन की साड़ी की को निकाल के तैयारी शुरू करें, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आया हो मेरा वीडियो तो एक लाइक भी कर दें, और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर ले ताकि आपको मेरे आगे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।